सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, ये वाले वीडियो में हम जो है एनएफपी के बारे में बात करने वाले। तो रिसेंटली एनएफपी का न्यूज़ रिलीज हुआ था 6th of January 2023 को शाम को 7 बजे। तो देखो, इस बार मेरे को एनएफपी में $950 का लॉस हुआ है। 950 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अराउंड 80,000 रुपये के आसपास होता है। तो देखो, बहुत सारे महीनों के बाद मेरे को एनएफपी में लॉस हुआ है, क्योंकि आप देखो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में एनएफपी का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैं कंटिन्यूस बहुत सारे महीनों से जो है प्रॉफिट लेता जा रहा हूँ, और बहुत सारे महीनों के बाद इस बार मेरे को एनएफपी में लॉस हुआ है। हर बार मैंने आपको बताया है कि एनएफपी वगैरह रिस्की होता है न्यूज ट्रेडिंग, तो आप अपने जो भी बैलेंस है वहाँ पर आप लोग पूरा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अप टू 5% इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और आज के वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स मिलेगा कि किस तरीके का मेरा एनालिसिस था, किस तरीके का प्लान था, और किस तरीके का मोमेंट मिला। एनएफपी में ज़्यादा अप डाउन था इसीलिए लॉस हुआ, और मोस्ट ऑफ ट्रेडर का लॉस हुआ है। हो सकता है किसी का प्रॉफिट हो जाए, उसका स्ट्रेटजी अलग हो, मेरा अलग है, मेरे को लॉस हुआ है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वाले एनएफपी में एक और एक ज़रूरी बात था कि न्यू ईयर है तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट भी अलग होगा, और ये वाले एनएफपी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, हर बार जैसे कि आपको मालूम है मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड करता हूँ, तो जितना भी मैंने एनालिसिस किया था मेरे को लगता है कि डाउन में जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मेरा बैलेंस है आई थिंक $3811। तो देखो यहाँ पर मैं $350 का पहला ट्रेड लेने वाला हूँ डाउन में 1 मिनट के लिए। जैसे 7:10 या 15 सेकेंड का टाइम बाकी होता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, आप सभी लोगों को मालूम है। और मान लो कि ये डाउन में ना जाके अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, तो बैकअप प्लान में मैं $600 का ट्रेड करने वाला हूँ। ये मेरा प्लान एंड बैकअप प्लान है। अभी देखते हैं, देखो अभी 14 सेकंड जितना टाइम बाकी है, हम वेट करते हैं, एक ट्रेड प्लेस कर देते हैं। और जैसे ही 7 बजे, तो यहाँ आप देखो यहाँ पर $350 का एक ट्रेड प्लेस कर दिया। अभी जैसे ही 7 बजेंगे और तुरंत से न्यूज़ निकल के आएगा और मोमेंट मिलेगा। देखो 7 बज गए और एकदम से डाउन गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा डाउन गया और एकदम से अप चला गया। देखो ऐसा नहीं है कि डाउन में नहीं गया, जो हमने एनालिसिस किया है वो परफेक्ट एग्जीक्यूट किया। देखो अप गया तो मैंने बैकअप के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया $600 का, और वो ट्रेड प्लेस करने के बाद ऊपर भी गया है। मतलब कि प्लान में भी थोड़ा सक्सेस मिला, बैकअप प्लान में भी थोड़ा सक्सेस मिला। बट देखो वॉलेटाइल तो है एनएफपी में, इस तरीके का मोमेंट जनरली थोड़े थोड़े महीनों के बाद मिलता रहता है। तो देखो अप डाउन काफ़ी हुआ, ऐसा नहीं है कि डाउन में नहीं गया, जो हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग डाउन तो गया, और अच्छा खासा डाउन गया था बड़े अमाउंट के साथ। तो देखो हम तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो हमने एनालिसिस किया वो तो परफेक्ट वर्क किया, बट हो सकता है कि कोई बड़ा अमाउंट अपवर्ड साइड में ट्रेड हुआ हो, लाइक कोई बड़े ट्रेडर या तो एक बड़ा ग्रुप ऑफ ट्रेडर का उन्होंने अपसाइड लगाया हो, इसके कारण ये बाय प्रेशर लग रहा है। और यहाँ पर देखो हमारा एक डाउन वाला ट्रेड लॉस हो गया, और यहाँ पर ये वाला ट्रेड भी, अप वाला ट्रेड भी लॉस हो गया। कुल मिला के दोनों ही ट्रेड लॉस हो गए, और इसके आगे मैंने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्योंकि अभी ट्रेड प्लेस करना बहुत रिस्की है, यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता मैं। मेरा हर बार का दो ही ट्रेड होता है मैक्सिमम, एक प्लान वाला ट्रेड और एक बैकअप वाला ट्रेड, उसके बाद में कोई ट्रेड प्लेस नहीं करता। आपने देखा पहले डाउन में गया और तुरंत से अप में चला गया। तो देखो ये हमारे दोनों ही ट्रेड लॉस हो गया $350 का, और उसके बाद मैंने $600 का बैकअप ट्रेड प्लेस किया, वो भी मेरा लॉस हो गया। कुल मिला के दोनों ही ट्रेड लॉस हो गए, और मूवमेंट तो आपने देख ही लिया। तो यही होता है एनएफपी में, कुछ ट्रेडर्स जो है, कुछ यूट्यूबर ऐसा बताते हैं कि एनएफपी मतलब 100% प्रॉफिट, तो देखो ऐसा नहीं होता है। एनएफपी में अप डाउन भी मिलता है, और आपका दोनों ही ट्रेड लॉस होने का चांसेस रहता है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, ये सब न्यूज़ ट्रेडिंग में आप ट्रेड करना, थोड़ा कम रिस्क लेके ही आप लोग जो है अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया करो। तो आई होप कि आपको ये वाले ट्रेड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लॉस मेरा हुआ है, बट सीखने को आपको मिला होगा। तो ज़रूर कमेंट करें कि आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं, रिस्क कम लेना चाहिए, ये सीख मिलना बहुत ज़रूरी है।